ओम श्रीं श्रीं महाम 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 ओम श्रीं श्रीं महा स्वाहा दशनाय नमः स्मिज्ञानाय नमः विचरिताय नमः स्वाहा ओम ऋषि वर्धमान निरंजन नमः ओम ऋषि वर्धमान निरंजन नमः स्वाहा 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 ओम ऋषि वर्धमान निरंजन नमः हम लोग अभी दीपावली के विशेष मंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले एक कुछ सूचना आपको दे रहा हूँ, विषय आप ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहली बात, कल आप अवश्य में जो स्नान करें, तो स्नान के समय आपको थोड़ा सा हल्दी, एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके जरूर स्नान करें। कल गुरुवार है और लक्ष्मी का प्रतीक होती है हल्दी, इसलिए हल्दी डाल करके आप स्नान करें। और मंदिर जाते समय केसर, कुमकुम और हल्दी, इसका तिलक करें। तीन चीजें आपके पास में होना चाहिए, केसर, कुमकुम, हल्दी, तीनों का तिलक आपको करना है। इसको इस तरह से बनाना है कि आप किसी भी आपकी दिखाई पड़े, कुमकुम भी दिखाई पड़े और हल्दी भी दिखाई पड़े, इस तरह आप सेट करें। पहले डार्क केसर आप ले लीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी राउंड के अंदर हल्की सी हल्दी, उस पर कुमकुम, इस तरह का आप तिलक करेंगे तो निश्चित रूप में आपके अंतराय निवारण होंगे, व्यापार वृद्धि और कार्य सिद्धि आपकी होगी। कल विशेष रूप से आपको अपने घर के बाहर दोनों साइड में स्वस्तिक बनाना है और उसको भी चमेली के तेल में या सरसों का तेल लेकर, सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर के उससे आप स्वस्तिक बनाइए। और स्वस्तिक जो बनाएंगे तो वह स्वस्तिक आपका ये जो सबसे बड़ी उंगली, मध्यम उंगली, इससे आपको बनाना है। बाद में आप जो सिंदूर लग जाएगा, आप घी लगाना तो घी से सिंदूर आपका साफ हो जाएगा। ये जो शनि की उंगली है, शनि की उंगली बताई है मध्यम उंगली, तो इस उंगली से आपको स्वस्तिक बनाना। स्वस्तिक इस तरह से, पहले ऊपर की रेखा, फिर नीचे की रेखा, फिर और आड़ी वाली, फिर इस तरह। उसके बाद में यहां से एक, दो, तीन और चार, समझ में आया, एक, दो, तीन, चार, फिर यहां से एक, दो, तीन और चार, तो रेखा कटती नहीं। कल अवश्य में आपको सिंदूर से, सिंदूर में सरसों का तेल मिला करके उसे स्वस्तिक आपको बनाना है, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा, कैरियर में उन्नति आएगी, वैवाहिक जीवन की समस्याओं का परिधान होगा, सेहत संबंधी स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा और भी अनेक लाभ मिलेंगे। और यदि आपके नगर में सिंदूर वाले क्षेत्रपाल जी हैं
तो सिंदूर वाले क्षेत्रपाल जी को सिंदूर और तेल अवश्य चढ़ा करके आप आइए, और यदि वहां पर सिर्फ आपको रखना है वहां जाकर के शुद्धि के साथ में आपको रख करके आना है, और यदि संभव हो आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या परेशानी हो जिससे आप परेशान हैं, कोई भी समस्या पढ़ाई संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, विवाह संबंधी, संतान संबंधी परेशानी आपको है, तो आप क्षेत्रपाल जी के पास जाकर के वहां उनका ही पहले शुद्धि में ध्यान रखना, शुद्धि के साथ में पहले उनको सिंदूर गुड़ तेल चना जरूर चढ़ाना। स्वस्तिक बना सकते हैं या दोनों साइड भी आप बना सकते हैं, स्वस्तिक द्वार के दोनों साइड बना सकते हैं, मेन गेट के ऊपर भी आप बना सकते हैं। टाइम हमारा जो रहेगा सवेरे का ही रहेगा, वैसे पूरा दिन अपना है। पहले सबसे पहला काम करना है आपको स्नान में एक चुटकी हल्दी डालकर जरूर स्नान करना है, फिर तिलक करके मंदिर जाना है, मंदिर भगवान का अभिषेक देखना है, पूजन करना है, विधान करना है, लड्डू चढ़ाना है। आप धर्म तीर्थ पर आ सकते हैं, आपके लिए द्वार खुला हुआ है, लेकिन आपका वैक्सीनेशन हो जाए होना चाहिए, कोरोना का जो वैक्सीन है वो लगा करके आप लोग आइए, उसके साथ में आपको परमिशन है सभी के लिए, आप आ सकते हैं। कल प्रातःकाल में 7 बजे हम भगवान का अभिषेक रहेगा, 7 बजे आप जुड़ जाइए, 7 बजे अभिषेक, शांतारा विधान, महावीर निर्वाण लाडू और उसके साथ 24 का निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाया जाएगा, तो आप उसमें बिल्कुल तैयार होकर के आइए। और कल अवश्य में नई झाड़ू मंदिर में दान कीजिए, मंदिर में जाकर के यदि आपको कहीं पर मंदिर में धूल जाल कचरा मिलता है तो स्वयं अपने हाथों से मंदिर में कचरा साफ कर दीजिए, धूल जाल निकाल दीजिए, फिर देखिए आपके दिमाग का कचरा साफ हो जाएगा, माइंड फ्रेश रहेगा। यदि मंदिर कचरा आपने निकाल दिया तो एक अलक्ष्मी का निस्सारण होगा और ऑटोमेटिक आपके घर में लक्ष्मी धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐसा महान फल प्राप्त होता है। और विशेष कल आपको दीपक में कपूर लौंग जला करके, लौंग जलाना है, कपूर लगाना है, घर में चारों तरफ घुमाना है, और घर में कल यदि हो सकता है तो शंख बजाइए या घंटी बजाइए, घंटी और शंख बजाने से मंगल ध्वनि करने से घर में मांगलिक वातावरण बनेगा, दीपक का मुख, आपका जो मुख होता है जब भी पूजन करनी होती है तो आपका मुख जो है पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके आपको करना है, बिल्कुल थाली बजाइए, ताली बजाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए, पर सिटी मत बजाइए। एक बाबा जी पहली बार नया कुकर लेकर गए, कुकर खरीदा, बहू ने मंगाया था, कुकर लेकर गए और मुश्किल से 2 घंटे वापस लेके आ गए। बर्तन वाले पूछे भाई क्या हुआ, अरे बोले बहुत नालायक कुकर है, बोले क्या हुआ, अरे बोले घर में जवान बहू बेटी और ये कुकर सिटी मारता रहता है, बोले एक कुकर नहीं चलेगा। ऐसे लोग भी रहते हैं, तो घंटी बजाना, ताली बजाना, थाली बजाना, शंख बजाना, सवेरे सबसे पहले बजाना, देखिए आप सुन रहे हैं, आप शंख बज रहा हमारे यहाँ पर, शंख बज गया, घंटी बज गई, मंगल वाद्य बज गए, कल आप सवेरे कुकर की सीटी बजेगी आपके चौके में, है ना, और शाम में घंटियां बजेंगी आपकी, बहुत बढ़िया। कल आप पद्मावती माता के समक्ष, और यदि आपके घर में लक्ष्मी सरस्वती है जैसे अशोक जी के यहाँ पर है, मनोज जी के यहाँ पर है, तो वहां पर उनको गुलाब के फूल की माला और 2 अगरबत्ती जरूर लगाइए। घर में यदि आपके आंगन है तो आंगन में 4 मुख वाला दीपक जरूर लगाइए, 4 बत्ती वाला दीपक कल जरूर लगाइए, सबके सोने के पश्चात और विशेष लगाइए, और 21 दाने यदि आप आज लेकर के आए हों, 21 दाने अखंड अक्षत के, उसे केसे कुमकुम से रंगा हुआ आप रख लीजिए, मैं अभी यहाँ पर मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र से आपको मंत्रित करना है,
कल उसकी विशेष में पूजन भी करनी है, फिर आप उसी 21 दानों को यदि आप तिजोरी में रख देते हैं लाल कपड़े में बांध करके, तो निश्चित रूप में बहुत बड़ी सुंदर आनंद की वृद्धि आपके यहाँ पर होगी, समृद्धि बढ़ेगी। तो आपको गुलाब, गुलाबी कपड़े, लाल कपड़े, कमल पुष्प यदि मिल जाए तो कमल पुष्प अगरबत्ती आपको चढ़ाना है। गन्ना लक्ष्मी का प्रतीक है, कमल के फूल लक्ष्मी के महाप्रतीक हैं, कमल गट्टे, नाग केसर, आंवला और खीर ये आप भगवान को चढ़ाइए, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपका आर्थिक समस्या दूर होगी, सफलता मिलेंगी। फिर से नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, गुलाब के फूल, अगरबत्ती, कमल के पुष्प, लाल कपड़ा, खीर, गन्ना, कमल के फूल, कमल का फूल, लाल कमल हो, नीला कमल हो, श्वेत कमल जैसा कमल है, कमल गट्टे, नाग केसर, आंवला, खीर, ये सब कुछ आपको कल भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को चढ़ाना है। और यदि इतनी ताकत ना हो तो चने की दाल कच्ची लेकर के उसे पानी भिगो लेना और कल चढ़ा देना। और कल सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है लक्ष्मी लाभ की, किसी भी निमित्त से कल सुबह से लेकर शाम में आपको प्रसन्न रहना है, आपको उदास नहीं होना है। जितना आप प्रसन्न रहेंगे ऑटोमेटिक आपको मंत्र सिद्धि, आत्मिक शांति मिलेगी। किसी भी निमित्त से क्रोध नहीं करना है, ना गुस्सा करना है, ना उदास होना है, टेंशन फ्री, आनंद में जियो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, जितना आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जहां प्रसन्नता का वातावरण होता है ऑटोमेटिक सुख, शांति, समृद्धि, आनंद आता है। यदि अपने से छोटे बड़ों से किसी प्रकार से जाने अनजानी गलती हो जाए तो गलती को इग्नोर कीजिए, अपनी ओर से गलती मत होने दीजिए, और दूसरे हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिए और आनंद प्राप्त कीजिए। और कल जरूर अमावस्या है तो अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, अपना घर, जहां भी आप हैं वहां फिटकरी का बड़ा टुकड़ा लेना है, तो टुकड़ा लेकर के आपको उस पर से क्लॉकवाइज आपको उतार देना है, हे प्रभु मेरे किसी प्रकार के अंतराय कर्म का उदय हो, पाप कर्म का उदय हो, किस प्रकार की नजर हो, दोष हो, टोटका हो, हाय वगैरह हो, ये सभी कुछ किसी के प्रकार का हो ये उतरे, ऐसा भूल करके आप जो है उसको चौराहे पर डाल देना। उसको डालने से आपके घर में सब नेगेटिविटी चली जाएगी। और यदि भगवान की मूर्ति है दूध से अभिषेक जरूर करना, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, उसका मेन गेट, मेन गेट पे खड़े होकर के वहां से आपको अंदर की साइड में उतारना। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल जो है ना यही मेरे लिए मेन गेट है ना, गेट के पास में खड़ा हो गया और मान लीजिए मेरे हाथ में ये फिट करी है, तो उस पर बिल्कुल ये जो फिट करी है इसको उतारना है अपने अंदर की ओर में और बाहर चौराहे पर फेंक देना। कल जरूर आप ये जो काम है आप सुबह से लेकर शाम में कभी भी कर लीजिए, कल पूरा दिन मंगल है, बार बार मत पूछिए कब करना है। ये जो मुहूर्त है, लग्न है, चौघड़ी है, मैं नहीं मानता इसको। जिस दिन भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, महावीर स्वामी निर्वाण गए हैं और गौतम स्वामी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो पूरा दिन मंगल है, श्रेष्ठ है, सुबह से लेकर शाम तक मंगल मुहूर्त है। और अगला दिन जो है जो पड़वा है वह भी 3:30 सिद्ध मुहूर्त में है, उससे नया संवत्सर शुरू होता है, इसलिए कोई चिंता नहीं, जब करना तब कीजिए। कल आपको एक तो फिट करी, त्रुटि बोलते हैं आपका, त्रुटि बोलते हैं, त्रुटि और फिट करी बोलते हैं, और टंकड़ भस्म से कहा जाता, टंकड़ भी कहा जाता है, तो वो आपको लेना है। अब विशेष सुन लीजिए ध्यान से कि एक आपको क्या बोल गया, गरीब लोगों के लिए, गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, उनके लिए अपनी ओर से कपड़े, भोजन, वस्त्र जो भी आप दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, उनको जरूर दीजिए। गायों के लिए कल चारा दीजिएगा, और परसों जो पड़वा आएगी, बिल्कुल परसों पड़वा है तो उसमें आप कर सकते हैं। और गायों के लिए अन्नकूट कहा जाता है, गोवर्धन पर्व से कहा जाता है, तो पड़वा का दिन होता है उस दिन आप अपनी ओर से गायों के लिए जरूर देवे। हमारे यहाँ गौशाला में गायों के लिए उस दिन अवश्य में विशेष, हमारे भारती अम्मा, मुन्नी अम्मा, रानू है, कांचन भाई है, लाजवंती है, ये लोग कुछ मिला करके कुछ तो व्यवस्था उनके लिए करेंगे। अन्न उनके लिए बाजरा वगैरह विशेष स्पेशल दिया जाएगा, गायों के लिए बाजरा और गुड़ दिया जाएगा, जिससे उनको सेहत को अच्छा रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ये व्यवस्था अपने को बना लेना है ना। परसों के दिन बन जाएगी हमारी,
तो आप सभी उसका लाभ प्राप्त करेंगे। गरीबों के लिए अवश्य में आप देवें, अपंग अपाहिज को आप देखें दुखी आप देवें, और आम के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर जो आपको मिले, पीपल का पत्ता या आम का पत्ता बिल्कुल आ सकते हैं, उस पर आपको श्री बनाना है। मैंने कल ही बताया था वो श्री बनाना है, और ये जो श्री होगा ये विशेष होगा, आपको 14 पत्ते लेना है और 14 श्री बनाना है। आज बना के रख लीजिए, कल तैयार कर लीजिए, और कल सुबह ही अपने घर के बाहर लगा दीजिए, आपका मंगल ही मंगल होगा। चलिए अब मैं जो आपने विशेष 21 दाने लेकर के आप बैठे हुए हैं उसके लिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, और आप उस 21 दाने को लाख कपड़े पर रखते जाइए। 21 दाने नीचे किसके पास में है अपना हैंडेस कीजिए और करते जाइए, शायद बहुत ज्यादा आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। माता जी बोलते इतना गुर्दे बतलाते हैं कितना करेंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है मैं और बतलाव दिवाली का जितना हो सकता है। मेरी भावना है हर घर सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सब सुखी हो संपन्न हो, सभी अपने धर्म का ईमानदारी से उत्साह से पालन कर पाए। जो श्रावक है श्रावक धर्म का पालन करे, हम साधु हैं हमारे धर्म का हम पालन करें। हमारा धर्म है ध्यान अध्ययन का, आपका धर्म है दान पूजा का। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आप जैसे हमारे भगवान विराजमान है यहाँ पर उत्तर मुखी विराजमान है हमारे आदिनाथ भगवान, आप देखते हैं उनको, तो यहाँ हम लोग चौमुखी करते हैं उनका। अब मैं यहाँ पूर्व मुखी बैठा हुआ हूँ, अच्छी बात, बहुत सुंदर। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है, और मंत्र जाप करेंगे। ओम भीम शिव रम नमः स्वाहा, 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 ओम भीम शिव रम नमः स्वाहा। इसी मंत्र का ओम भीम श्रीम अरहम नमः स्वाहा, ये लक्ष्मीपति और लक्ष्मी का विशेष मंत्र है, तो आप निश्चिंत होकर इस मंत्र का जाप करते रहिए। आज आपको इसकी 43 माला करना है, और कल इसकी आपको 43 माला करनी है।